आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की। लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़ने वाले 9 लोगों में से 4 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अपर पुलिस उपायुक्त दक्षिणी ने बताया कि लुलु मॉल में नमाज पढ़ने के मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में सीसीटीवी से 4 आरोपियों की पहचान की गई थी। रेहान, लुकमान, नेमान लखनऊ के खुर्रम नगर के रहने वाले हैं, तो वहीं आतिफ खान लखीमपुर के मोहम्मदी का रहने वाला है। लुकमान और नोमान सगे भाई हैं। ये बाइक से मॉल में नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे थे। इनको गिरफ्तार किया गया है। लखनऊ में लुलु मॉल में नमाज पढ़ने का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल अयोध्या के आचार्य परमहंस लुलु मॉल पहुंचे, उसके बाद वहां पर हंगामा खड़ा हो गया। उन्होंने कहा कि बिना इजाजत के मॉल के अंदर नमाज पढ़ी गई है, हम इस जगह को मंत्र पढ़कर शुद्ध करेंगे। इसके बाद वहां पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने महंत को रोक लिया। खबर गोरखपुर से है, जहां के कालीबाड़ी मंदिर में इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए कुछ दिन पहले हवन पूजन कराया गया था और एक नया टोटका अपनाया गया, जिसके चलते मेंढक और मेंढकी की शादी संपन्न कराई गई। इस दौरान विश्व हिंदू महासभा के जिला अध्यक्ष और उनकी पत्नी एवं आम नागरिक भी इस विवाह में सम्मिलित हुए। आज जो है हम लोग मेढक और मेढकिन का हम लोग शादी किया है, विधवा शादी किया है। पति पत्नी दोनों हम लोग गांठ जोड़ करके शादी किए हैं और यहाँ पर देखिए गीत भी होगा, अभी आपके सामने यहाँ पर नृत्य भी होगा, बारात वालों के साथ बाराती का और जो है लड़की वालों के साथ लड़की वाले अभी नृत्य करेंगे। आप सभी लोग से बस हम भगवान से प्रार्थना करते हैं आज बरसात हो और आज मेढक और मेढकिन का जो शादी हुआ है ये बड़े विधवा तो भगवान की कृपा है, जो कि आज कालीबाड़ी मंदिर में हो रहा है और ये आज पानी बरसात होगा। खबर औरैया से है, जहां बुग्गी के नीचे दबकर एक 4 वर्षीय मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों द्वारा मामले की जानकारी पुलिस को नहीं दी गई और उन्होंने आनन फानन में बुग्गी के नीचे दबे मासूम को बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्चा आया था जो जिसका नाम राम है, जो ब्रह्मनगर नगर का रहने वाला है, 4 साल का है। ये आया था, इसको गंभीर हालत में यहाँ पे इसके परिजन लेके हुए, जिसको मृत घोषित कर दिया। कहाँ पे? मोहल्ले में। अच्छा, खबर गाजियाबाद से है, जहां के साहिबाबाद मेन श्याम पार्क के बाजार में बुलडोजर बाबा की टी शर्ट और द कश्मीर फाइल्स की टी शर्ट भी बाजारों में देखी जा रही है, जिसको लेकर व्यापारी ने बताया कि इन टी शर्ट्स की मार्केट में बहुत डिमांड देखने को मिल रही है, वहीं लोग इसे खरीद भी रहे हैं। बुलडोजर बाबा की डिमांड हर जगह हो रही है, कनाडा की संसद तक बुलडोजर बाबा की डिमांड है। सड़कों पर कांवड़िए जल्द ही बुलडोजर बाबा की टी शर्ट पहनने भी दिखाई देंगे। योगी और बुलडोजर बाबा की इतनी डिमांड है कि क्षेत्र का कोई भी बड़े से बड़ा व्यापारी इस डिमांड को पूरी नहीं कर पाएगा। अगर 500 टी शर्ट लेने जाएंगे तो हम 200 मिलेंगे बाजार में, और 200 भी 10 दुकानों में ढूंढनी पड़ रही है, इतनी डिमांड है। देखो इसके बाद जो है बहुत प्रिंट आए हैं, द कश्मीर फाइल है, बुलडोजर बाबा हैं, राम मंदिर के उपलक्ष्य में है, ओम नमः शिवाय है, योगी बाबा हैं, मोदी जी भी हैं, बहुत सारी प्रिंट आए हैं। खबर वाराणसी से है, जहां मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजा देवी देवताओं के विद्रोह को संरक्षित करने वाली याचिका पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई की अगली तारीख 21 जुलाई को रखी है। आज की कार्यवाही के दौरान राखी सिंह की तरफ से अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखा और बताया कि पूरा मामला मेंटेनेबल है और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय की ओर से दिए गए फैसलों का भी जिक्र किया गया।
मेंटेन किया है। चिप है काशी विश्वनाथ एक्ट और वर्क फैक्ट को लेकर के जो हमारा स्टैंड कल था उसी को हमने मेंटेन किया है, कंटिन्यू किया है। उसी को लेकर के हमने अपना जो कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट है वो आज कंटिन्यू किया है, जो उसके एडिशनल में तीन लॉ के साथ साथ कई अलग आरोप भी लगाए गए हैं वाद को लेकर के, कि वाद इस धारा में मेंटेनेबल नहीं है, इनके अकॉर्डिंग वाद का एक एक वर्ड मेंटेनेबल नहीं है, तो उसको हमने आंसर करने का प्रयास किया, क्योंकि सुनवाई देर शुरू से शुरू हुई थी, आज हम कंक्लूड नहीं कर पाए हैं, परसों का दिन निश्चित किया गया, परसों हम उसको कंक्लूड कर देंगे। खबर कानपुर से है, जहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस महानिरीक्षक प्रशांत कुमार को ज्ञापन दिया। बजरंग दल कानपुर प्रांत के प्रांत सुरक्षा प्रमुख आशीष त्रिपाठी ने बताया कि बिलहौर और कन्नौज में देश विरोधी शक्तियों द्वारा हिंदुओं को आघात पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कन्नौज के एक मंदिर में गाय के अवशेष को डाला गया था, उसके बाद वहां की पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है, इसलिए आईजी से मिलकर यह आग्रह किया गया है कि किसी भी निर्दोष को न फंसाया जाए और हिंदू समाज के लोगों को कन्नौज में जो प्रताड़ना दी जा रही है उसको बंद करके निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आज अभी जैसा कि मीडिया के माध्यम से सारे देश में भी जानकारी हो रही है कि बिल्लौर और कन्नौज दो ऐसे स्थानों पर विधर्मी शक्तियों के द्वारा निरंतर हिंदुत्व के मानवबिंदुओं पर आघात पहुँचाया जा रहा है। कन्नौज में एक ऐसी भी घटना घटती है कि गाय का सर काटकर मंदिर में रखा जाता है, तो अभी आईजी साहब से हम सभी मिलने आए थे कि वहाँ पर किसी भी प्रकार से किसी निर्दोष को ना फंसाया जाए और निष्पक्षतापूर्वक जांच होने के पश्चात ही हिंदू समाज के लोगों को वहाँ पर जो प्रताड़ना दी जा रही है वो ना दी जाए, निष्पक्षतापूर्वक वहाँ पर जाँच की जाए और जो दोषी हो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अलीगढ़ में बारिश कम हो रही है, लेकिन अन्य जिलों में बारिश ने गंगा और खेड़ तहसील में यमुना नदी के किनारे वाले 28 गांवों के निवासियों के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, जिसको लेकर दोनों नदियों में बढ़ते जल स्तर की वजह से जिला प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। वहीं प्रभावित क्षेत्रों में आपदा प्रबंधक टीम को सक्रिय करने के निर्देश भी दिए हैं। हमारे यहाँ जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वो अतरौली क्षेत्र है गंगा नदी में, और वहाँ लगभग हमारे 16 गांव प्रभावित होते आए थे। हालांकि विगत 2013 से बाढ़ नहीं आई है और हम लोग प्रतिवर्ष की भांति हमारी जो आपदा प्रबंधन योजना है बाढ़ की वो हमारी पूरी तैयार है। बाढ़ चौकियों का भी गठन हो चुका है, सबकी ड्यूटी भी लग चुकी है और शासन द्वारा दिए गए निर्देश के पालन में हम लोगों के द्वारा मॉक ड्रिल भी अतरौली तहसील के सांकरा ग्राम में कराई गई थी और हमारी तैयारी पूरी परिपूर्ण है। प्रतिदिन दैनिक बुलेटिन सिंचाई विभाग से लिया जाता है बाढ़ का, और जो भी जल स्तर है वो खतरे के निशान से कम है। खबर फरुखाबाद से है, जहां बीते दिन रविवार को पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद सीआरपीएफ के नायब सूबेदार का उनके पैतृक गांव में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान जनपद के उत्तर प्रदेश सरकार में दुग्ध विकास मंत्री ने जिले के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने पहुंचकर शहीद जवान को श्रद्धांजलि अर्पित कर पत्नी को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। साथ ही जनपद की एक सड़क का नाम एवं एक स्मारक शहीद के नाम पर बनवाने का ऐलान किया। इस परिवार वालों को नमन करते हैं, तो उनके परिवार का एक व्यक्ति भारत माता की रक्षा में शहीद हुआ है और मैं इस दुखी घड़ी में प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि इस अपार कष्ट सहन करने की उनको ताकत दे। खबर अलीगढ़ से है, जहां थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अंतर्गत दिव्यांग एकता वेलफेयर सोसाइटी के संस्थापक के साथ दर्जनों दिव्यांगों ने जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय का घेराव किया और पुतला दहन कर धरना प्रदर्शन किया और भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। देखिए, हमारी मांग तो यही है कि जहाँ एक और सरकार कह रही है दिव्यांगों को मान सम्मान के साथ अधिकार दिए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ DIS कार्यालय में आने के बाद पता चला है कि यहाँ दिव्यांगों के साथ केवल हीन भावना के सिवा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ अगर DSO कार्यालय में जब एक बार मैं भी आया था तो मुझे भी आश्वासन दिया गया था कि हमारा काम करा देंगे, ये करा देंगे, इधर से उधर फैलाते रहे। एक दिव्यांग को जो दोनों पैरों से चल भी नहीं सकता है, कम से कम इनको अगर कर नहीं सकते तो स्पष्ट कह देना चाहिए कि कोई काम हम नहीं कर सकते, अधिकार क्षेत्र में नहीं है। लेकिन ये लोगों ने मुझे टहलाया फैलाया और मेरे आश्रित जो बच्ची थी उसको भी घुमाया,
लेकिन कोई भी इन्होंने कोई कार्य नहीं किया और आज हम इन्होंने वो कल मना करने के बाद में फिर बदतमीजी से पेश आए तो आज हम लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं। गाजियाबाद में कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए देहात की पुलिस ने बड़ी पहल की है। कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए कांवड़ियों के बीच में कांवड़ियों की वेशभूषा में ही पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगे। इसके लिए देहात के पुलिस ने साइकिल स्क्वाड को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्क्वाड में शामिल पुलिसकर्मी साइकिल पर सवार है और कांवड़ियों की वेशभूषा में है। आतंकी साय को देखते हुए एनसीआर की पुलिस भी कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। जो सेक्टर की हमारी टीम है, सब सेक्टर की टीम है, वो वहाँ पर लगातार मूवमेंट करती रहे, गश्त करती रहे और कोई भी इंटेलिजेंस गैदरिंग हमें इनके माध्यम से होती रहेगी और इसमें काफ़ी हमको हेल्प मिलेगी क्योंकि कोई भी इनपुट है, कुछ समय बाद भीड़ बहुत बढ़ जाएगी, पूरा रोड ब्लॉक हो जाएगा, तो उसमें साइकिल से मूवमेंट से हम लोग बहुत ईजिली मूवमेंट करा सकते हैं और इंटेलिजेंस गैदरिंग में भी ये सब हमारे काम आएगा। तो सुरक्षा व्यवस्था हमारी पर्याप्त है और लगातार हमारे सेक्टर प्रभारी, सब सेक्टर प्रभारी लगातार ड्यूटीज़ सब अपना कर रहे हैं और सभी के द्वारा ड्यूटीज़ लगातार चेक की जा रही है। पुलिस व्यवस्था काफ़ी अच्छी है और इसको हम और अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। खबर औरैया से है जहां सदर कोतवाली के डिबियापुर तिहते पर बाइक से फिसलने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद राहगीरों ने मौके पर एम्बुलेंस को सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंची एम्बुलेंस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने इलाज के बाद घायल को उपचार के लिए कानपुर रेफर कर दिया। कहां पर हुआ? औरैया। किस जगह पर? यो यहाँ से जाते समय पेट्रोल पम्प पड़ता। तो आपको कैसे सूचना मिली, किसने दी? कौन आया? क्या बताया? बोला आपके भाई को स्टेन। तो औरैया ब्रिया से किस लिए आए थे, क्या काम के लिए आई थी? काम था, थोड़ा बोतल लेना। किस चीज़ की? पानी का। बाइक पर थी व्यक्ति रवि के नाम से आया बिना के घुसाने में, दो ट्रक एक्सीडेंट का पेशेंट है, अब जो होती थी हालत में आया है, उसको हमने कानपुर रेफर किया। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए डिप्टी सीएम लगातार सख्त कदम उठा रहे हैं। इसके बावजूद फतेहपुर जिले की स्वास्थ्य सेवाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला जिला महिला अस्पताल की ओटी का है, जहां पर आवारा कुत्तों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से अति संवेदनशील इस इलाके में आवारा कुत्ते टहल रहे हैं, क्योंकि डिलीवरी के बाद जच्चा बच्चा को यहीं पर ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है और यहां पर आवारा कुत्तों का इस तरीके से टहलना कहीं ना कहीं किसी बड़े खतरे की ओर इशारा करता है। अंदर जा करके अंदर भी तीन गेट आए थे, बाहर गैलरी में घूमते रहते हैं, जिनके लिए ये हमारे पास स्टाफ की कमी है। एक ही स्टाफ रहता है एक ड्यूटी में और मैंने डिमांड किया है प्रिंसिपल साहब से, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में हमारा संस्थान शामिल हो गया है, जैसे ही स्टाफ मिल जाएगा सभी की सिक्योरिटी बढ़ जाएगी, तो उसमें कोई लगाई जा सकती। वैसे मैं कोशिश करती रहती हूँ कि हाँ इसकी। खबर कन्नौज से है जहां केंद्र और राज्य सरकार आए दिन गृह उपयोगी वस्तुओं और खाद्य पदार्थों पर महंगाई बढ़ाए जाने के विरोध में सपा प्रदेश सचिव महिला मोर्चा ने अनोखे ढंग से सरकार को घेरते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा। वहीं इस मौके पर दर्जनों महिलाएं भी उपस्थित रही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मौजूदा समय में है और हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा जो भी कर वसूले जा रहे हैं, जो भी टैक्स लगाए जा रहे हैं, जीएसटी अभी तक सारी चीज़ों पर लगाई गई थी, वो चीज़ें सभी ने स्वीकार की और महंगाई से हर आम आदमी ने सफ़र किया है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो अब स्थिति इस हद तक पहुँच गई है और महंगाई इस हद तक आसमान को छू रही है कि आटा, दाल, चावल, यहाँ तक कि बीमार आदमी अगर चाहे कि वो दूध भी पी ले, अगर जिसके पास दवाइयों की व्यवस्था नहीं है अस्पताल जाएगा तो दवाइयों पर भी टैक्स लगा दिया गया है।
दुगनी तेजी से महंगाई कर रहे हैं। पहले से महंगाई कम थी क्या, जो आज आम आदमी जीने की स्थिति में नहीं रह गया है। पेंसिल, रबर, कटर, कोई भी चीज़, अगर आप सोचेंगे कि हम अपने बच्चे को एक पेंसिल दिलवा दें तो सरकार अब बच्चों की शिक्षा पर भी लोगों से कर वसूल करेगी। खबर गाजियाबाद से है, जहां टीला मोड़ थाना क्षेत्र के चौकी सिकंदरपुर इलाके की मास्टर कॉलोनी गरिमा गार्डन में शराब पीने के दौरान तीन दोस्तों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसके चलते दो दोस्तों ने अपने एक दोस्त को गोली मार दी, जिसके बाद घायल अवस्था में युवक को परिजन इलाज के लिए दिल्ली के GTB अस्पताल लेकर गए, जहां इलाज के दौरान घायल की मौत हो गई। खबर बुलंदशहर से है, जहां जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराए जाने के लिए गंगा घाटों और मार्गों का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया, जिसके बाद वॉलेंटियर्स और गोताखोरों को प्रिंटेड टी शर्ट भी वितरित की गई। साथ ही ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्देशित किया। खबर बदायूं से है, जहां सतबीर नाम के एक युवक ने फेसबुक पर भड़काऊ और आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। भोले के भक्तों को जो कावड़ लेकर आ रहे हैं उनका मजाक उड़ाया और फेसबुक पर गलत तरीके से टिप्पणी करते हुए भोले के भक्तों को नशेड़ी, भांगड़ी और शराबी जैसे अन्य कई शब्द भी उपयोग करे, जिससे सनातन धर्म के लोगों को ठेस पहुंची। देखिए, वामपंथियों द्वारा और राष्ट्र विरोधी लोग, धर्म विरोधी लोग जो सनातन धर्म को हर तरह से टारगेट करते हैं, ऐसे लोगों के द्वारा, एक उनकी पूरी यूनिटी के द्वारा ऐसा आए दिन किया जाता है। और एक सत्यवीर वीर नाम का जो लड़का थाना उगैती क्षेत्र में ग्राम करणपुर का रहने वाला है, उस लड़के ने पहले भी ऐसी हिंदू विरोधी पोस्टें की हैं और आज फिर उसने कांवड़ियों को लेकर के और काली माता को लेकर, दुर्गा माता को लेकर के विवादित पोस्ट की है। खबर हरदोई से है, जहां कासिमपुर थाना क्षेत्र में हुई व्यापारी से लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा किया है। दरअसल एक महीने पहले कार सवार चार बदमाश ने सराफा व्यापारी से तमंचा लगाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें शातिर बदमाशों ने स्कूटी सवार एक दंपत्ति को लूट लिया। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने शातिर बदमाशों को अवैध हथियार के साथ कब्जे में लेकर जेल भेज दिया है। इनमें जो अपराधी हैं, जो जानकारी मिली है, ये हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं, जिसमें से दो के ऊपर तो कम से कम 30-30 मुकदमे हैं इनके द्वारा। इसमें से एक के द्वारा विगत वर्ष में जनपद हरदोई में ही लूट की घटनाएं कारित की गई थी। अब ये नया गैंग बना करके, जिसमें काफ़ी सारे सदस्य हैं, हरदोई, कानपुर देहात, उन्नाव, लखनऊ, शाहजहानपुर इत्यादि में घटनाएँ की है। इनमें अभी और कई वांछित हैं जिनकी हम तलाश कर रहे हैं और शीघ्र ही पूरे गैंग का खुलासा किया जाएगा। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।